अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमीद टीवी के साथ मैं हूँ इकरा इलियास। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से रियाज में फौज तलब। फौज की तलबी का मकसद वली अहद की गैर मौजूदगी में मुमकिन बगावत की कोशिश को नाकाम बनाना है। बरतानवी अखबार के मुताबिक फौज मशरकी और मगरबी सूबों से तलब की गई। 70 करोड़ रुपए की खुद बुर्द का इल्ज़ाम, SSP राय एजाज गिरफ्तार। राय एजाज के खिलाफ नैब लाहौर ने वारंट जारी किए। राय एजाज पर बतौर DPO गुजरात 70 करोड़ रुपए की खुद बुर्द का इल्ज़ाम है। करप्शन में 4 से 5 DPOs मुलव्वस पाए गए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज अहम केसेस की समाअत होगी। मंशा बम, अलीमा खान की दुबई में जायदाद और दीगर अहम केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस का दुबई में 14 जायदादें खरीदने वाले वकार अहमद को भी पेश होने का हुक्म। मुल्की तारीख में डॉलर की ऊंची उड़ान, कीमत में 5 रुपए से जायद का इजाफा। डॉलर उतार चढ़ाव के बाद 139.05 रुपए की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत को भी पर लग गए। हुकूमत का आवाम के लिए अच्छा कदम, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2-2 रुपए फी लीटर कमी कर दी। मिट्टी का तेल 3 रुपए और लाइट डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। LPG की भी कीमत में 14 रुपए फी किलो कमी। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि कोशिश है आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। पाक फौज किसी भी तरह की रवायती जंग के लिए तैयार है। आर्मी चीफ कहते हैं पाक फौज पेशावर और बेहतरीन हथियारों से लैस है। पाक फौज किसी भी तरह की रवायती जंग के लिए तैयार है। आर्मी चीफ कहते हैं पाक फौज पेशावर और बेहतरीन हथियारों से लैस है। पाक फौज तमाम खतरात से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ का सियालकोट कोर का दौरा, तरबियती मुश्कों का मुआयना भी किया। पाकिस्तान की सोच मुस्बत है, भारत अपनी सोच तब्दील करे। वजीर आजम ने भारतीय सहाफियों को हर सवाल पर लाजवाब कर दिया। इमरान खान कहते हैं कश्मीर समेत किसी भी मसले का हल नामुमकिन नहीं। कश्मीर की बात ना करें तो भारत से कोई झगड़ा ही नहीं। खित्ते में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। कराची में ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट के अंडरपास का तामीराती काम जारी। नुमाइश चौरंगी और कैपरी सैनमा से मजारे काई तक एमेजिना रोड का दूसरा ट्रैक बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी कॉरिडोर 3 और सोल्जर बाजार के रास्ते इख्तियार करें। और बरतानवी वजीर आजम को एक और झटका, ब्रेक्जिट डील पर इख्तलाफ। साइंस और यूनिवर्सिटीज के वजीर सैम गयामा मुस्ताफी, ब्रेक्जिट का मुसविदा बरतानिया के मफाद में नहीं। मुसविदा मंजर आम पर आने के बाद मुस्ताफी अरकान की तादाद 7 हो गई। उम्मीद टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.umeedtv.tv।